नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा भार्गव है और हम आज बात करने जा रहे हैं एनीमिक लोगों की। एनीमिया जो होता है, जिसको होता है वो ही जानता है किस तरीके से ये उसको परेशान करता है। पर हमारे साथ इसी बीमारी पे बात करने के लिए और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं ये आपको बताने के लिए जुड़े हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर। डॉक्टर रणवीर, ओवर टू यू। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एनीमिया के संबंध में। एनीमिया एक ऐसी स्थिति या ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यूज तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और व्यक्ति कमजोर और थका हुआ अपने आप को महसूस करता है। आज हम बात करेंगे, बेसिकली एनीमिया 7 तरह का होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशियंट एनीमिया के संबंध में। अब अगर मैं आयरन डेफिशियंट एनीमिया के संबंध में बात करते हैं तो इसके कुछ लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। लक्षणों में आपको थकान महसूस होगी। अगर किसी व्यक्ति को थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, हल्की और पीली त्वचा रहती है उसकी, अनियंत्रित दिल की धड़कन रहती है। बेसिकली अगर किसी को एनीमिया है ना, तो उसकी दिल की धड़कन धड़धड़ धड़धड़ बहुत तेज उसकी धड़कन रहती है। इसके साथ साथ सांस लेने में कठिनाई होती है, थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ा सा भी चल लिए तो सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, कमर में दर्द बना रहता है, छाती में दर्द बना रहता है और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अगर इस तरह की समस्या रहती है तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति एनीमिक हो सकता है। सिर दर्द बना रहता है तो आप एनीमिक हो सकते हैं। मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में लगभग 60-70% फीमेल्स एनीमिक है। मैं बात ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, 60-70% फीमेल्स एनीमिक है। ये अलग बात है कि उनको पता नहीं चलता। जब उनके कलर में उनके जो कलर में हल्का सा पीला पन आना शुरू होता है तो उनको लगता है शायद वो गोरे हो रहे हैं, उनको लगता है शायद उनकी फेयरनेस क्रीम काम कर रही है। सच्चाई ये है कि फेयरनेस क्रीम की वजह से आप गोरे नहीं हो रहे हैं, बेसिकली आप एनीमिक है इसलिए आपको लग रहा है आप गोरे हो रहे हैं। तो अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए और आप पाएंगे कि निश्चित रूप से आपका हीमोग्लोबिन 6%, 7%, 8%, 9% है, जबकि एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन कम से कम 11.5% होना चाहिए। मैं फीमेल से एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें अगर आप एनीमिया से बचना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी एनीमिया हो ही ना और आपका चेहरा पीला ना हो बल्कि गुलाबी हो, तो उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला प्रोडक्ट है आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड 1 टैबलेट दिन में एक बार भी ले सकते हैं और ज्यादा एनीमिक है आप तो दिन में 2 बार ले लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिएगा। कैल्शियम और आयरन के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस जरूर रखिएगा। दूसरा प्रोडक्ट है विटामिन सी। अगर विटामिन सी के साथ में आयरन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से आयरन जबरदस्त तरीके से काम करता है और इसकी जो एब्जॉर्बिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो तीसरा प्रोडक्ट है प्रोटीन क्रस्ट। प्रोटीन क्रस्ट ऑफकोर्स बहुत बढ़िया काम करता है एनीमिया में। सारे के सारे विटामिन मिल जाते हैं इसके अंदर, आपको प्रोटीन मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। तो प्रोटीन क्रस्ट, आयरन फॉलिक एसिड, विटामिन सी, इन 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन अपने लाइफ में जरूर आप लेके आइए और आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन 11.5%, 12%, 13% पहुंचने में देर नहीं लगेगी। एक एक महीने में मैंने देखा है कि 6% वालों का हीमोग्लोबिन 10% हुआ है। थैंक यू दीदी। वाओ, एक एक महीने में, अमेजिंग। इतना छोटा सा इलाज है पर इतना इग्नोर्ड ये टॉपिक है। हमें पता होता है हमारा 10 चल रहा है, 9 चल रहा है, 11 चल रहा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, पर वो बाद में फर्क पड़ता है। ब्लड ही है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है सब जगह, और ऑक्सीजन ही है जो हमें हेल्दी रखती है, और अगर ब्लड ही कम होगा तो कैसे काम चलेगा। तो हम सबको अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखना है और उसके लिए जो डॉक्टर रणवीर ने प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं हमें वो फूड सप्लीमेंट काम में लेने हैं। और हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी हैं जो बताएंगी कि उनको कैसे फायदा हुआ। प्रीति जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और बात करूं एनीमिया की तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे सर ने बताया कि पता नहीं होता है, मुझे नहीं पता था। मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती थी, सर में दर्द, और जैसे बताया कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती थी, कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी चल लेती थी, हाथ पैर बहुत ठंडे रहते थे। पूरा रात रजाई ओढ़ने के बाद भी मेरा जो हाथ पैर थे वो एकदम ठंडे होते थे, बर्फ की तरह। तो ऐसे में मुझे मौका मिला एक सेमिनार में रणवीर सर से मिलने का, और मैंने पर्सनली उनसे पूछा था इस बारे में। थैंक्स करना चाहूंगी रणवीर सर एंड मोदी केयर को कि मुझे उन्होंने बताया आयरन फोलिक एसिड प्रीति जी आप लीजिए, विटामिन सी ली मैंने उस बीच में लेना शुरू किया फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात प्रोटीन लेना शुरू किया। तो उसके कारण अब मुझे थकान नहीं होती है, सर दर्द नहीं होता है, और ठंड कम लगती है। सर्दियों में ठंड है तो ठंड लगेगी, पर अब मुझे जून में कभी बारिश हो जाती थी ना तो मुझे तब भी रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ जाती थी, मुझे इतना ठंड लगता था। थैंक्स करना चाहूंगी मोदी केयर का, सप्लीमेंट्स का। थैंक यू सो वेरी मच समीर मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।